सब लोगों को मेरी आवाज आ रही? यस सर। ओके, देखिए, हम लोग इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस बना रहे थे। एक क्वेश्चन कल बनाए थे ना, जो अलग तरह का क्वेश्चन था। आज एक और क्वेश्चन बना रहे हैं और तीन क्वेश्चन उसका होमवर्क में दिए हैं। ठीक है, वैसे सवाल का तीन क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रखे हैं, तो हम भी उसमें के कुछ क्वेश्चंस बना रहे हैं, ध्यान से देखोगे। ये भी इम्पोर्टेंट इंटीग्रेशन है, लर्निंग बेस्ड है। आई बराबर इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, ऐसा इंटीग्रेशन कैसे बनेगा? तो इसको देखो किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है। तो जितना एंगल दिख रहा है, ये बना चुके थे क्या आप कल पिछली क्लास में? हम लोग ये बनाए थे क्या पिछली क्लास में? नो सर, नहीं बना। तो हम लोग इसमें देखो ध्यान से, तो हम लोग इसको क्या करेंगे ना, ऊपर में हम लोग नीचे में कॉस का टर्म है, ऊपर में हम ये सारा एंगल साइन के साथ पुट करेंगे। बस यही इसमें ट्रांसफॉर्म करना है, साइन एक्स माइनस ए माइनस में एक्स माइनस बी। ऐसा करने से बताओ बचेगा क्या ऊपर में, क्योंकि उसको काउंटर बैलेंस करना पड़ेगा ना। ऐसा करने से ऊपर में क्या बचेगा बोलो? ऐसा करने से ऊपर में क्या बच रहा है? देखो x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी आ जाएगा, x x कट जाएगा, साइन b माइनस ए बच रहा है ऊपर में। तो साइन b माइनस ए से अगर हम डिवाइड दे दे तो ये बैलेंस हो जाएगा। हाँ ना, बोलो, बोलना भी है। यस सर। यस, तो साइन बी माइनस ए से इसको हम लोग डिवाइड दे दिए, तो अब देखो ये बैलेंस हो गया, वापस ऊपर आ जाएगा। बस अब ये सवाल बन गया, इतना तुम ट्रांसफॉर्म कर लोगे ना तो ये सवाल बन जाएगा। इसमें इसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन सोचना था। अब देखो इसको तुम ए समझो और इसको तुम बी समझो। ये ए है और ये बी है, साइन ए प्लस बी पे इसको तोड़ो तो क्या होगा? तो पहले तो बाहर में है वन बाई साइन बी माइनस ए, बाहर में इंटीग्रेशन साइन ए माइनस बी को बोलते हैं, तो साइन ए कॉस बी माइनस में कॉस ए साइन बी, ऐसा होगा डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। अब इसको नीचे नीचे सेपरेट कर रहे हैं, सेपरेट करेंगे तो बताओ इसके नीचे क्या आएगा? बताओ क्या क्या आएगा? इसको दो पार्ट में जाएगा ना, इसके एक्स माइनस ए टेन एक्स माइनस ए एक्स माइनस, ओके, और इसके नीचे क्या आएगा जी? टेन एक्स माइनस बी, कॉस कॉस कटेगा, हाँ टेन एक्स माइनस बी आएगा, वेरी गुड। अब दोनों का इंटीग्रेशन करना हम लोग जानते हैं क्या? टैन का इंटीग्रेशन कितना होता है जी, बोलो? टैन एक्स माइनस ए का इंटीग्रेट पे क्या लिखेगा? लॉग सेक एक्स माइनस ए, लॉग सेक एक्स माइनस ए, और ये सेक एक्स माइनस ए मोड में रहेगा। लॉग के साथ कुछ भी इंटीग्रेशन लिखते हैं मोड में लिखते हैं, लॉग टैन एक्स माइनस बी, और टेन एक्स माइनस बी मॉड में रहेगा, प्लस में सी, यही इसका आंसर हो जाएगा।
पता चला, तीन सवाल आज दिए थे होमवर्क में, बनाइएगा अब इसको भी देख लिए आप, अब उसको वापस बनाइएगा, ठीक है। होमवर्क बनाया था सब लोग, कुछ कुछ बच्चे लोग बनाया था, देखे थे, रनब बनाया था, आदित्य बनाया था, धनराज बनाया था, अग्रवाल जी भेजे हैं बनाकर, आदित्य अग्रवाल पहली बार होमवर्क, कुछ तो जरूर बात है। अंकुर, अंकुर भेजा था तुम, अंकुर लगता है लास्ट में भेजा था, भेजा था क्या वाला? नहीं पता, छठा नंबर, मतलब वो जो इंटीग्रेशन था। यस सर। अब बनाओगे इंटीग्रेशन? मतलब एक्चुअली मैं इस टॉपिक से दे दिए थे, ये इसी सब टॉपिक का बनेगा, बना के रख लेना है, वो सब समझोगे भी इसी टॉपिक का इंटीग्रेशन। आगे अगला अगला क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, तेजी से लिखो, तेजी से लिखो। अब देखो अगला एक क्वेश्चन जो इसी पैटर्न का है, ये भी एक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन जो इसी पैटर्न का है, देखो आई बराबर इंटीग्रेट टैन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स। थोड़ा बात ध्यान से समझना, देखो वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स रहेगा ना, तो ये कितना आता है सोचो, मन में सोचो, इमेजिन करो, वन माइनस कॉस एक्स मतलब टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये हो गया टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, टू कट जाएगा रूट में तो था ही, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू यानी टेन एक्स बाई टू आता। अगर हम इस साइन को कॉस में बदल दें, यानी इस दोनों साइन को हम लोग कॉस में चेंज कर देते हैं, इस साइन को कॉस में चेंज कर देते हैं और इस साइन को भी कॉस में चेंज कर देते हैं, और फाइनल रिजल्ट टेन में आ सकता है, समझ रहे हो बात? तो हम लोग अभी वैसा ही करने जा रहे हैं, ठीक है, इसको हटा रहे हैं, ये तो हम लोग देख लिए, ये रब वर्क था आपको समझाने के लिए कि किस तरह से कॉस रहता, वन माइनस साइन की जगह वन माइनस कॉस होता तो इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हो जाता। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टैन इनवर्स रूट अंडर वन माइनस कॉस नाइनटी माइनस थीटा कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स साइन एक्स वन प्लस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स कॉस नाइनटी माइनस थीटा साइन थीटा डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। इंटीग्रेट टैन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा है, वन माइनस कॉस थीटा होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो पाई बाई टू को आधा करेंगे तो पाई बाई टू, एक्स को आधा करेंगे तो एक्स बाई टू, डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉस थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, तो पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू डी एक्स। ओवरऑल ये देखो आ जाएगा इंटीग्रेट टैन इनवर्स अंडर रूट टेन स्क्वायर पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, बाहर निकल करके ये आएगा हमारे पास टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। ओवरऑल टेन टेन इनवर्स हट जाता है, एंगल बचेगा सिर्फ, क्या बचेगा हम लोग को इंटीग्रेट करने के लिए, हम लोग को इंटीग्रेट करने के लिए बचेगा पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू डी एक्स, यही बचेगा। पाई बाई फोर का इंटीग्रेशन हो गया पाई एक्स बटा फोर, पाई बाई फोर नंबर है उसके साथ एक्स आ जाएगा, एक्स बाई टू का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा फोर प्लस सी, हम एक लाइन में कर दिए इंटीग्रेट, ठीक है, और प्लस में सी, यही इसका आंसर होगा। तेजी से नोट करो और ध्यान रखना इस क्वेश्चन को भी, चलो तेजी से नोट करो इन दोनों क्वेश्चन को। सर लास्ट में लॉग टेन एक्स माइनस बी होगा? हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, सेक होगा, एक यहाँ पे सेक होगा सर जी, हाँ सेक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यहाँ पे सेक करोगे जी, देखो गलती से टेन लिखा गया उसको सेक करोगे, लॉग सेक एक्स माइनस बी। कोई बच्चा नहीं बोलता, देखो
जब बच्चा लिखता है तब बोलता है। तुम लोग तो छाप लिया होगा जी, सिद्धिन बताया है, इसको सही कर लेना। हो जाएगा तो बताओगे। ये सब इम्पोर्टेंट इंटीग्रेशन चल रहा है, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन में बनाना पड़ेगा इंटीग्रेशन, सोचो कि देखते देखते समझ में आ जाए तो ऐसा भी नहीं होगा, बिना बनाए तो नहीं आएगा इंटीग्रेशन, बनाना पड़ेगा इंटीग्रेशन। हो जाएगा तो बताओगे। सब लोगों का हो गया? कोई ऐसा बच्चा जो अभी भी लिख रहा है? कोई ऐसा बच्चा जो अभी भी लिख रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉट इनवर्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। देखो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का इंटीग्रेशन है ना, ये हल्का लेवल मतलब अच्छा होता है, इसके बाद जो है वो फिर इससे कम लेवल में रहेगा। मतलब इसके बाद हम लोग पढ़ने होंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, दिमाग लगाना पड़ता है कैसे चेंज करें ताकि फिर हमारा आंसर आ जाए। तो दिमाग लगाना तो जानती हूँ कितने लोगों के पास दिमाग होता है, होता सबके पास है, लगाता कोई नहीं है। आई बराबर कॉट इनवर्स सेक एक्स को देखो, अभी तुम लोग डायरेक्ट कुछ भी नहीं कर सकते, तो ये अंदर में कॉट या टैन आ जाए तो मेरा काम बन जाए। देखो कॉट भी आ जाएगा तो कॉट बाहर है बन जाएगा, टैन भी आ जाएगा तो टैन को कॉट में बदला जा सकता है तो भी बन जाएगा। तो बस हमको सोचना है कि sec x plus tan x को किसी भी तरह से cot x या tan x में बदल दिया जाए। तो sec x को लिख सकते हैं हम लोग 1 by cos x, tan x को लिख सकते हैं sin x by cos x, ठीक है dx। इंटीग्रेट cot इनवर्स, यहाँ एलसीएम हो जाएगा cos x, यहाँ हो जाएगा 1 plus sin x। अब देखो एक फॉर्मेट तुमको समझा रहे हैं, ध्यान से देखना। 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का फॉर्मेट देखो। 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। कॉस से स्क्वायर कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा कॉट एक्स बाई 2। यानी अगर साइन की जगह कॉस हो और कॉस की जगह साइन हो तो हमारा सवाल कॉट में जा सकता है, समझ रहे हो। तो हम लोग चेंज करेंगे साइन को कॉस में और कॉस को साइन में, ये सब समझना पड़ेगा। यही सब ट्रांसफॉर्मेशन है जो 11th की ट्रिगो से सीखना था, 11th की ट्रिगोनोमेट्री से सीखना था कि तुरंत कैसे सोचेंगे कि यहाँ से ये आ जाएगा। कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन को कॉस में बदलना है तो कॉस 90 माइनस थीटा, और नीचे कॉस को साइन में बदलना है तो साइन 90 माइनस थीटा डी एक्स। इसको पूरा ऐसे ब्रैकेट रख लो, dx बाहर। इंटीग्रेशन cot इनवर्स 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा by 2, तो पाई by 4 माइनस x by 2 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड by sin थीटा, तो sin थीटा को लिख सकते हैं 2 sin थीटा by 2 x by 2 हो जाएगा cos थीटा by 2। अब जो कट रहा है काट दो, क्या क्या कट गया, तो हमारा कट गया एक कॉस से कॉस का स्क्वायर 2 2 कट गया, ठीक है dx। तो हमारे पास ओवरऑल जो आया वो इतना आया, I इज इक्वल टू इंटीग्रल cot इनवर्स cos बाई साइन, तो cot ही में आ गया cot पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 cot इनवर्स cos थीटा, तो सिर्फ थीटा बचेगा, यानी हमारे पास इंटीग्रेट करने के लिए बचेगा पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 dx।
अब देखो पाई बाई फोर का इंटीग्रेशन, पाई बाई फोर नंबर है, नंबर के साथ एक्स लग जाता है और एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू होगा, टू नीचे पहले से तो फोर हो जाएगा प्लस में सी, यही हमारा आंसर है। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं इन सब क्वेश्चन को, बिना प्रैक्टिस के तो ये सब नहीं बनने वाला है। चलो नोट करो इसको। अब इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन को यहीं पर विराम देते हैं। अब सारा कुछ अब खुद से बनाइएगा ट्रांसफॉर्मेशन का, ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस आपको आर एस अग्रवाल की किताब में मिल जाएंगे, बनाइएगा खुद से। कुछ कुछ क्वेश्चंस जो ट्रांसफॉर्मेशन के होते हैं ना, उसको आप हायर मेथड्स भी लगा के बना सकते हैं, हायर मेथड सीख जाएंगे तो उसको भी लगा के बना सकते हैं। आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन आएंगे सीखेंगे, अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे अब उसके बाद। एक और क्वेश्चन बना सकते, बना देते हैं, अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी लिख लो जी घर पे बनाना, इसको इस क्वेश्चन को भी अपनी कॉपी में डालो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको कॉपी में डालो। आई बराबर इंटीग्रेशन, ऐसा इंटीग्रेशन अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे, हमारा बस माइनस में था, अब यहाँ प्लस में, एक्स प्लस ए इंटू एक्स कॉस एक्स प्लस बी, इसको बना लेना घर पे, इसको भी होमवर्क ही समझ लो, इसको बनाना ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट इंटीग्रेशन का क्लास है। कोई ऐसा बच्चा जो अभी भी लिख रहा है, एक सेकंड सर, क्वेश्चन लिख रहे हैं। ओके जतिन, होमवर्क सबमिट किया था? नो सर, होमवर्क नहीं सबमिट कर पाए थे, मेरा स्कूल का क्लास चल रहा था। कशिश, होमवर्क सबमिट की? यस सर, कर दिया। प्रेरणा, होमवर्क सबमिट की? यस सर, कर दिया। ठीक। सिद्धित, होमवर्क सबमिट किया? यस सर, किया। वेरी गुड। स्वाति? यस सर। वेरी गुड। प्रणव सर, कर दिया। वेरी गुड। आयुष, किया होमवर्क सबमिट? यस सर, कर दिया। वेरी गुड। अमीशा की है? अमीशा, होमवर्क सबमिट की? यस सर, कर दिया। ठीक। अंजलि, होमवर्क सबमिट की है? Yes, कर दिया। ठीक, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हमारे पास आई बराबर इंटीग्रेशन tan 3x tan 2x tan x dx। देखो ये इंटीग्रेशन जो है इसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगता है वो देखो थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी सॉल्यूशन में जा रहे हैं, ये तीनों मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो देखो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं tan 3x जो होगा उसको हम ऐसा सोच सकते हैं tan 2x प्लस x सोचा जा सकता है, हाँ या ना बोलो। यस सर। यस। tan a प्लस b का फॉर्मूला भी, इसको स्प्लिट करो, स्प्लिट करेंगे तो tan a प्लस tan b अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो टेन थ्री एक्स माइनस में टेन थ्री एक्स टेन टू एक्स टेन एक्स प्लस इंटू टेन एक्स इज इक्वल टू टेन टू एक्स प्लस टेन एक्स,
इसको उधर भेजो, बाकी सबको इधर लाओ। तो tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x बराबर tan 3x tan 2x और tan x। अब इसको देख करके क्या समझ में आया, क्या रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग? देखो अब बन जाएगा क्या क्वेश्चन, जरा बताओ। देखो इन तीनों को, इन तीनों का मल्टीप्लाई को इस तरह से लिखा जा सकता है, यानी अब हमारा इंटीग्रेशन कैसे चेंज हो जाएगा। आई बराबर इंटीग्रेशन टेन थ्री एक्स माइनस टेन टू एक्स माइनस टेन एक्स। पता चला ट्रांसफॉर्मेशन में दिमाग क्यों लगाना पड़ता है? तो टेन थ्री एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा जी, लॉग मॉड सेक थ्री एक्स डिवाइडेड बाई थ्री, माइनस टेन टू एक्स है तो लॉग सेक टू एक्स डिवाइडेड बाई टू, माइनस में लॉग सेक एक्स प्लस सी, यही इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए सब लोग, इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सर हाँ जी सर, ऐसा क्वेश्चन तो आप सर पहले भी बनवा चुके हैं जो टू कॉस ए कॉस भी करके बनवाते थे। साइन का अलग क्वेश्चन बनेगा, कॉस का अलग बनेगा, टेन का ऐसे बनेगा। टेन में क्योंकि टेन का टू टेन ए टेन बी का कोई फॉर्मूला नहीं होता है ना, जैसे समझो टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है, इसीलिए वो उस पे गया। टू कॉस ए कॉस बी का भी फॉर्मूला होता है, इसीलिए वो उस पे गया। लेकिन टू टेन ए टेन बी का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला, इसीलिए इसको उस मेथड से नहीं बना सकते। समझ रहे हो बात? यस सर। यस सर, वेरी गुड। साइन और कॉस को वैसे ही बनाएंगे जैसे पिछले क्लास में बना रखे हैं। कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को? आगे बढ़े हम लोग, ऑलमोस्ट हमको दिख रहा है यहाँ पे 26 नहीं 16 यही 50 प्रॉब्लम दिख रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का, तो आपको हम दे देंगे, बनाइएगा घर पे बैठकर। ठीक है, एक दिन का समय भी देंगे आपको, ठीक है, होमवर्क बनाने के लिए। आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहे हैं हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन देखिए क्या होता है। देखिए पहले हम आपको प्रोसेस समझाने की कोशिश करते हैं, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो डायरेक्ट एग्जांपल लेकर समझाएं। ऊपर में है एफ डैश एक्स, नीचे में है एफ एक्स और यहां है डी एक्स। ठीक है, देखो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर है क्या इस क्वेश्चन में? एफ एक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर है क्या? देखो तो एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स आएगा ना? यस सर। यस सर, हम लोग जेड बराबर एफ एक्स मानेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, इसमें डिफरेंशिएशन का भी यूज होगा, तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स। तो हम लोग अपने dz को छोड़ दिए, ऊपर में चला गया ये एफ डैश एक्स dx, ऐसा लिख सकते हैं। अब रिप्लेस करो जिसको जिसको रिप्लेस किया जा सकता है, एफ डैश एक्स dx को, ये पूरे टर्म को एफ डैश एक्स dx को dz से रिप्लेस किया जा सकता है और एफ एक्स को z से रिप्लेस किया जा सकता है। तो कर रहे हैं, ये आया 1 बाई z dz और 1 बाई z को का इंटीग्रेशन कितना होता है जी, 1 बाई z का इंटीग्रेशन log z प्लस सी, और z कितने को मान रहे हैं हम लोग, तो z माने थे हम लोग एफ एक्स को, log mod एफ एक्स प्लस सी, यही इसका आंसर बन जाएगा। ठीक, ये हुआ सब्स्टिट्यूट करना, किसी को कुक करना। अब इस पे हम रियल एग्जांपल लेकर समझाते हैं। याद करो कि हम लोग करते थे ना इंटीग्रेट, i बराबर इंटीग्रेशन
tan x dx, ठीक है, तो ये आता था हमारा log sec x plus c और log cos x माइनस में log cos x, और आता था ये माइनस में log cos x, और आता था ये माइनस में log cos x प्लस, यही दोनों आता था, यही दोनों लिखे थे। अब ये होता कैसे था देखो, सॉल्यूशन देखो इसका। जब हम लोग i बराबर इंटीग्रेशन tan x dx लिखते हैं तो tan x को हम लोग लिख सकते थे sin x बटा cos x। cos x का डिफरेंशिएशन sin x आएगा, cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो sin आ जाएगा ना, माइनस प्लस को हम लोग लगा सकते हैं। cos x का डिफरेंशिएशन sin x है, देखो नीचे वाले का, नीचे में जो लिखा हुआ उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला टर्म आ जाएगा। डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करने से न्यूमिनेटर आ जाएगा क्या, बताओ? हाँ ना, बोलो ना। यस सर, यस सर, यस सर। तो z बराबर हम लोग cos x को मानेंगे, z बराबर cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है जी, माइनस में sin x dx, ऊपर में है sin x dx तो माइनस इधर भेज दो, तो माइनस dz इज इक्वल टू sin x dx। अब रिप्लेस करो जो जो रिप्लेस हो रहा है, तो i बराबर इंटीग्रेशन sin x dx रिप्लेस हो जाएगा माइनस dz से, तो माइनस बाहर dz ऊपर, और नीचे में cos x है तो 1 by z ऐसा आएगा, तो हमारा i 1 by z का इंटीग्रेशन, तो log mod z plus c, z किसको माने थे हम लोग, तो i बराबर माइनस log z, z माने थे cos x को, तो माइनस log cos x plus c आ गया। अब देखो हम लोग इसको दूसरे फॉर्मूला पे ट्रांसफॉर्म करते हैं, ये माइनस जो है यहाँ पर ये इसके पावर में रहा होगा तभी ना आगे आया होगा, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं log cos x पूरे पे पावर माइनस वन, ऐसा लिखा जा सकता है? माइनस वन फिर आगे आ जाता, पीछे चल रहा है, तो log माइनस पावर है तो वन बाई cos x लिख सकते हैं इसको, तो ये आ गया i बराबर log mod sec x plus c। तो पता चला कैसे होता था tan x का इंटीग्रेशन, आज पता चला। इससे पहले तो लोग फॉर्मूला डायरेक्ट याद करते थे, हमने बोला भी था कि सब फॉर्मूला को हम लोग प्रूफ भी करेंगे, प्रोसेस से बनता है ये, तो अभी हम लोग प्रूफ किए tan को कैसे डिफरेंशिएट करना है। नोट कीजिए इसको, इसको सब लोग नोट करो। सर एक बार और बताइए ना। देखो जी इसमें कुछ नहीं, इसमें बड़ा आसान, डिनोमिनेटर को ध्यान में रखना होता है, डिनोमिनेटर का तुम्हारा डिफरेंशिएशन मैच कर रहा है। जैसे यहाँ पे हमारा cos x है नीचे में, तो cos x को मन में डिफरेंशिएट करो, cos x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, sin x आ जाएगा, तो नीचे वाले को z मानेंगे। हमेशा डिनोमिनेटर को सोचना है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर है कि नहीं, पहला तो यही है सब्स्टिट्यूशन में सोचने के लिए कि डिफरेंशिएशन मैच कर रहा है कि नहीं। तो अभी वैसा ही क्वेश्चन लिए, तो z बराबर अगर cos x मानेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करो, तो हम लोग मान लो z बराबर cos x माने, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dz by dx कितना आ जाएगा, माइनस में sin x आएगा, dx उधर भेज दो तो ये माइनस sin x dx लिख सकते हैं, माइनस sin इधर भेज दो तो माइनस dz इज इक्वल टू sin x dx हो जाएगा, तो sin x dx को हम लोग माइनस dz से रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखो sin x dx को माइनस dz से रिप्लेस कर दिया गया, पता चला ये टर्म कैसे आया, एक डायरेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ, देखो कैसे कैसे आया ये टर्म। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया कि dz बराबर sin x dx कैसे आया, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देख लो अच्छे से, ठीक है, डायरेक्ट कैसे आया, dz by dx के dx को उधर भेज देते हैं हम लोग बार बार, ठीक है, तो माइनस dx रिप्लेस किए
तो साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी जेड, तो माइनस बाहर आ गया, डी जेड यहाँ लिख दिए, और नीचे में कॉस एक्स को हम लोग जेड माने थे, जेड लिख दिए, तो आ गया ना वन बाई जेड का इंटीग्रेशन लॉग जेड, माइनस पहले से था माइनस छोड़ दिए, प्लस सी, जेड किसको माने थे, तो कॉस एक्स को, कॉस एक्स पुट कर दिए, हो गया। ये माइनस एक्चुअली में पावर में होता है, तो उसको पावर में चढ़ा दिए, कॉस पे पावर माइनस वन, यानी वन बाई कॉस एक्स, वन बाई कॉस एक्स को सेक एक्स लिखा जा सकता है। तो हमारे पास दो फॉर्मूला आ गया, एक फॉर्मूला कॉस के टर्म में और एक फॉर्मूला सेक के टर्म। आया समझ में धनराज? यस सर। चलिए इसको नोट कीजिए सब लोग, हो गया। कोई ऐसा बच्चा जो अभी भी लिख रहा है? यस सर। तेजी से लिखो, ऋतिक चित्रांश से सब सब गायब रहता है जी, अल्टरनेट डेज में आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम लोग इंटीग्रेट करने जा रहे हैं कॉटेक्स का। बताओ जी कॉटेक्स का क्या इंटीग्रेशन पढ़े? I बराबर इंटीग्रेशन कॉटेक्स dx, क्या होता है कॉटेक्स का इंटीग्रेशन, बोलो। log माइनस log cos x plus c, माइनस log cos x, कहाँ है जी, नींद में है तुम प्रणाम। log कितना होता है? log cos x माइनस cortex plus c, cos x माइनस cortex। सर log mod में sin x plus c, log sin x plus c, यही होता है। सब नींद में। आई बराबर सर आपसे उधर पूछे थे तो बोले थे कि माइनस में भी होता है। माइनस में क्या, जैसे tan x का दो होता है ना, तो आप बोले थे हाँ माइनस में cos x हो सकता है। माइनस log cos x, एक मिनट जब सोचते हैं होगा कि नहीं, साइन एक्स वन बाई कोसेक एक्स, माइनस में लॉग कोसेक एक्स होगा, माइनस लॉग कोसेक एक्स, ये हो सकता है, बोले थे। अच्छा चलो खैर, माइनस वाला इसमें डायरेक्ट प्लस में आ रहा है, प्लस में रिजल्ट ये ध्यान में रख लीजिएगा। कॉटेक्स को हम लोग देखो इतना लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाई साइन एक्स लिख सकते हैं क्या? अब बताओ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर है क्या, नीचे वाले फंक्शन को सोचना है, और नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर है क्या, जल्दी बोलो है कि नहीं है। dz by dx, sin x को differentiate करेंगे तो cos x आएगा, dz निकालो, एक step बढ़ा के लिख रहा है, ऐसे हम ये step लिखते नहीं, हम direct यहीं पे लिखा जाते हैं। dz बराबर आ गया cos x dx, सब replace हो सकता है, replace करो, क्या क्या आया, I बराबर integration cos x dx की जगह आ गया dz, 1 by sin x की जगह z, तो कितना आ गया direct integration हमारा, direct हमारा integrate होकर आ गया log mod z plus c, और z किसको माने हैं, sin x को प्लस c, ठीक है। अब देखो हम लोग चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये तो पहला ही आंसर हो गया। दूसरा देखो log sin x को लिख सकते हैं हम लोग 1 by cosec x लिख सकते हैं प्लस c, log m बटा m है उसको ऐसे लिख सकते हैं log 1 माइनस log cosec x प्लस सी, लॉग की प्रॉपर्टी खोल दी, लॉग वन का वैल्यू जीरो हट जाएगा, माइनस में लॉग मॉड कोसेक एक्स प्लस सी, ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये भी फॉर्मूला होता है, और करके आप लिख सकते हो माइनस लॉग कोसेक एक्स का मॉड प्लस सी। तो दिखा कैसे बनेगा, अब आगे देखो ध्यान से समझना। मान लो क्वेश्चन ऐसा आया, क्वेश्चन है हमारे पास आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव, और ऊपर में दिया टू एक्स माइनस सेवन डी एक्स। देखो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन है ऊपर, जल्दी बोलो है क्या, बोलता है। यस सर।
अब नहीं बोलोगे ना तो छोड़ देंगे, हम बैठे रहेंगे, आप जब मन करेगा तब बोलना, आराम से बोलो। हाँ सर कोई तो बोलो, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव, dz बराबर एक्स स्क्वायर का 2x डिफरेंशिएट, 7x का 7, और नीचे से जो dx आता वो इधर भेज दिए। चलो जो जो रिप्लेस हो रहा है रिप्लेस करो, क्या आएगा हमारे पास, i बराबर इंटीग्रेशन 1 बाई z dz, यही बचेगा। ये हो गया हमारा log mod z plus c, और ये हमारे पास आ जाएगा log mod z, z माने हो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 प्लस c, यही हमारा आंसर हो गया। चलो यहां तक नोट करूं, तेजी से नोट करना क्योंकि क्लास का टाइमिंग कम बचा है, और जब तक नोट कर रहे हो तब तक ये भी क्वेश्चन बनाओ, ये क्वेश्चन खुद से बनाना, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 px। ये तुमको खुद से बनाना है, अभी बनाना, अगर क्लास में टाइम बचा तो बनाओ, नहीं तो अगले पीरियड में बनाएंगे। नोट तेजी से करोगे, एक मिनट 30-35 सेकंड बचा हुआ।